निलचोली में भारी नुकसान हुआ है। मंदाकिनी में सैलाब के चलते दो पुल बह गए हैं। केदारधाम से गौरीकुंड तक अफरा तफरी है। इस तबाही के चलते तीर्थयात्रियों पर भी असर पड़ा है, तीर्थयात्रा को फिलहाल स्थगित करने की बात की जा रही है। केदारनाथ में करीब 200 यात्रियों के फंसे होने की खबर है। यात्रा का पैदल मार्ग भी तबाह हो गया है। ये रामबाड़ा है जो यहाँ पर के दोनों पुल बह चुके हैं और ये रामबाड़ा से कुछ पहले की वीडियो है। यहाँ पर भी बादल फटा है, रात को यहाँ पर जाने के लिए नहीं है। ये रामबाड़ा है जो यहाँ पर के दोनों पुल बह चुके हैं और ये रामबाड़ा से कुछ पहले की वीडियो है। यहाँ पर भी बादल फटा है, रात को यहाँ पर जाने के लिए नहीं है। रामबाड़ा में निलचोली में भारी नुकसान हुआ है। मंदाकिनी में सैलाब के चलते दो पुल बह गए हैं। केदारधाम से गौरीकुंड तक अफरा तफरी है। इस तबाही के चलते तीर्थयात्रियों पर भी असर पड़ा है, तीर्थयात्रा को फिलहाल स्थगित करने की बात की जा रही है। केदारनाथ में करीब 200 यात्रियों के फंसे होने की खबर है। यात्रा का पैदल मार्ग भी तबाह हो गया है। ये रामबाड़ा है जो यहाँ पर के दोनों पुल बह चुके हैं और ये रामबाड़ा से कुछ पहले की वीडियो है। यहाँ पर भी बादल फटा है, रात को यहाँ पर जाने के लिए नहीं है। ये रामबाड़ा है जो यहाँ पर के दोनों पुल बह चुके हैं और ये रामबाड़ा से कुछ पहले की वीडियो है। यहाँ पर भी बादल फटा है, रात को यहाँ पर जाने के लिए नहीं है।